पूरे भारत के लोग को कैसे पता चला कि आपकी इंटेलिजेंस सबसे अच्छी है? इसमें खूबसूरती, हाइट, वेट, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। इस पूरे भारत से आपको कितने वोट मिले थे? इसकी तो संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि लाखों में वोटिंग हुई। विनर बनने के लिए कितने स्टेज से आपको गुजरना पड़ा था? मिस टीन इंडिया का खिताब लेकर के आई हुई है, 25 साल में पहली बार उनसे आज मिलने के लिए आए हुए हैं। आज दूसरा दिन है, तो इनसे बात करेंगे कि क्या क्या इनमें इनको कठिनाई हुई और क्या परिश्रम झेलना पड़ा। इससे पहले भी कई सारे फील्ड में ये अपना काम कर चुकी हैं, समाज के लिए भी काम करती हैं और लैंगिक समानता के लिए भी काम करती हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं एली क्लब व्यूअर्स चॉइस मिस टीन इंडिया 2022 की विनर हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कहते नहीं कभी कभी शब्द नहीं मिल पाते खुशी बयां करने के लिए, तो अभी फ़िलहाल वो टाइम है मेरे लिए। बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करो और वो सफलता आपको मिल जाए, तो वो बातें शब्दों में बयां नहीं हो सकती। बिहार से हम पूर्वी बिहार से आए हुए हैं, पूर्वी बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हर जगह के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करने के लिए उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि जब तक आप फोकस्ड नहीं रहिएगा किसी भी चीज़ को लेकर आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी। ये बताइए, पूरे भारत में टोटल इतने राज्य हैं, बिहार से आप मतलब इस खिताब को लेकर के आए, आपके मन में कैसे ये आया कि हमको ये मिस टीन इंडिया के लिए काम करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और हम खिताब लेकर के आ जाएंगे? मैं एक जेंडर इक्वालिटी एक्टिविस्ट हूँ, मैं लैंगिक समानता पे काम करती हूँ, लेकिन अचानक से मन में आया कि ग्लैमर और मॉडलिंग में भी ट्राई किया जाए। हालांकि पहले भी मेरी एक मूवी आ चुकी है कनाडा से, ग्रास रूट्स ग्रो इन द फोर डायरेक्शंस, वो भी अभी इसी वर्ष 1 अगस्त को ही रिलीज़ हुई थी। वो एड्स के ऊपर बनाई गई थी कि एड्स को लेकर दुनिया में क्या गलत धारणा है। तो सोशल एक्ट्रेस तो मैं शुरू से ही हूँ, मेरा यही टाइटल रहा है, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के बारे में मुझे पर्सनली पता नहीं था। मुझे पापा ने बताया कि मिस टीन इंडिया कॉन्टेस्ट होता है, क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो बस वहीं से शुरुआत हुई थी इस जर्नी की। अभी भी कई लोगों को बिहार में नहीं पता होगा कि मिस टीन इंडिया बनने के लिए क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए, खूबसूरती देखी जाती है या नॉलेज देखी जाती है या फिर समाज के लिए काम करता वो देखा, क्या इसमें देखा जाता है, क्यों आपको बनाया गया? हाँ, मैं बताना चाहूँगी सबको, मुझे बाकी का तो नहीं पता जैसे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का, लेकिन ये जो कॉन्टेस्ट है मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया, इसमें खूबसूरती, हाइट, वेट, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। इसमें मैटर करती है आपकी इंटेलिजेंस, आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये कॉन्टेस्ट इसीलिए मुझे पर्सनली भी पसंद आया क्योंकि मैं शुरू से मेरा ये मानना था कि हाइट को लेकर, वेट को लेकर, सुंदरता को लेकर किसी को जज करना ये अच्छी बात नहीं है। पूरे भारत के लोग आपको वोट किए जी, तब आप जा करके मिस टीन इंडिया बने जी, तो पूरे भारत के लोग को कैसे पता चला कि आपकी इंटेलिजेंस सबसे अच्छी है? मैं सोशल वर्क, कहते हैं ना कि जनता को मुझ पर भरोसा था शुरू से ही। मैं पिछले 5 सालों से मतलब भारत का नाम जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं उसके आधार पे आपको वोटिंग किया गया जी। मैंने भारत का नाम, मैं पिछले 3 सालों से अमेरिका के स्तर तक रोशन करके आई हूँ, तो उन्हें मुझ पर भरोसा था कि अगर जानवी कोई चीज़ कर रही है तो इसमें हम उसका पूर्णतः सहयोग करें। और इसीलिए मैं जनता को भी दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आज जो ये ताज मेरे सर पर है ये उनके कारण ही है। देखिए, इतना हम तह तक जाके इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मिस टीन इंडिया में खूबसूरती देखा जाता है या फिर हम अप्लाई कर लिए अगर हम बहुत अच्छे दिखने में तो हम बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपका पकड़ अच्छा है, तो आप जरूर बन सकते हैं, चाहे आप कैसा भी दिखते हो। बिल्कुल, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको बात करने कैसे आता है, आप खड़े कैसे होते हो, आप बैठते कैसे हो, आपका दिमाग कितना तेज चलता है, ये सब चीज़ें इन कॉन्टेस्ट में देखी जाती हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, किसी भी कॉन्टेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड होता है क्वेश्चन आंसर राउंड, जहाँ पर आपकी बुद्धि का टेस्ट होगा, आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जाएगी। तो अगर आप वो पास करने के लायक नहीं हो तो आप ऐसे कॉन्टेस्ट में मत करो पार्टिसिपेट, क्योंकि सिर्फ बाहर की खूबसूरती, सिर्फ आउटर ब्यूटी से यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पूरे भारत से आपको कितने वोट मिले थे? इसकी तो संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि लाखों में वोटिंग हुई होगी, क्योंकि जहाँ तक आंकड़े देखे जा रहे थे हमारी तरफ से, जितने लोग वोट कर रहे थे, जितने लोगों का सपोर्ट आ रहा था, तो वोटिंग तो बहुत हुई होगी और अनगिनत हुई होगी। अगर सांसद और विधायक का चुनाव होता है तो कई सारे बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, आपने क्या क्या किया इसके लिए? सोशल मीडिया के थ्रू, बस मैंने ऐसा कोई रैली कैंपेन कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि मेरी एक कम्युनिटी है, गर्लअप की जो कम्युनिटी है मेरी, जिसमें पूरी दुनिया भर की लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, और उस कम्युनिटी से मैं इकलौती उम्मीदवार थी इस कॉन्टेस्ट की, तो वहाँ से वोटिंग आई। जितने फायदा मिल गया, जितने मेरे सगे संबंधी हैं उन्होंने वोटिंग की, और सबने बहुत मेहनत की है, सबने, एक एक इंसान ने लोगों से कहा कि जानवी है ये इतना अच्छा काम कर रही है पहले से भी, तो आप इसे वोट करके इसका मनोबल और बढ़ाएं।
अच्छा, मीडिया का क्या योगदान था वोटिंग के फील्ड में? मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था मेरे एक क्योंकि ऐसा... मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि आप पहले से मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा में थे, इस वजह से जो है ना आपको कई काफी ज्यादा वोट मिले हैं, तो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा, सोशल मीडिया तो था ही, लेकिन मेरी जो एक फैमिली बन गई है आप लोगों की, मीडिया वालों की, मेरे जितने भी भाई हैं, कहते हैं जब मैं बैक स्टेज पे थी तो मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट उन लोगों को थी जानने की कि जानवी का क्या रिजल्ट है। पापा के फोन पे कॉल्स आ रहे थे सबके कि क्या हुआ जानवी का, क्या रिजल्ट आया। तो मैं अपनी उस फैमिली को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आज जो दुनिया के इतने लोग मुझे जान रहे हैं वो आपके इस कैमरे के बदौलत। ये बताइए, आप विनर तो हो चुके हैं, विनर बनने के लिए कितने स्टेज से आपको गुजरना पड़ा था? सबसे पहले शुरुआत हुई थी सिटी ऑडिशन से, जो कि हमारे पटना में हुए थे, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, फिर दिल्ली गई सेमीफिनाले के लिए, और फिर मेन ग्रैंड फिनाले में 3 राउंड्स होते थे। स्टार्टिंग आपका इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें आपकी रैंप वॉक देखी जाएगी, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो जजेस के सामने वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आंसर्स राउंड थे, तो जो उसको जिसने क्वालिफाई किया उसको वो आगे तक गया। अच्छा, जब पहली बार आप स्टेज पे गए, आपका नाम पुकारा गया, उस समय कैसा फील हो रहा था? बहुत मेरे अंदर नर्वसनेस नहीं थी, उसकी आंसू थे आंखों में। जब बोला गया ना कंटेस्टेंट नंबर 36, जब मैं स्टेज पर चढ़ के आई और मम्मी पापा को देखा और भी जो लोग थे उनको देखा, तो मतलब वो फीलिंग मैं क्या कहूँ, वो उतने शब्द मेरे पास नहीं है बताने को। इतना आँखों में खुशी के आंसू ऑफ कोर्स आए थे कि इस स्टेज पे तुषार कपूर सर द्वारा मुझे ताज पहनाया जा रहा था, सब लोग मुझे देख रहे थे, तो वो फीलिंग मैं नहीं बता सकती अपनी। आपने जो इतना सब चीज़ हासिल किया है, और भी जो लड़कियां हैं जो अपने अपने फील्ड में काम कर रही हैं, इससे जो हमारा ओपिनियन है कि कई लड़कियां अश्लील वीडियो बनाती हैं, अश्लील रील्स बनाती हैं, उस पर नहीं काम करके आप पॉजिटिव चीज़ों पे काम करें, उस पर भी कई ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको मीडिया भी सपोर्ट करेगा, बहुत ही बड़ा कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगा। तो आप किसी पॉजिटिव फील्ड में काम करें ताकि हमारा देश आगे जाए, हमारा बिहार आगे जाए। बिल्कुल, आपने ये बात सही कही। जहाँ तक मैं लोग फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर उसको किया जाए तो वो उसके लिए क्या होगा ना कि आगे चल के फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नाम भी काफी अच्छा होगा। सबसे गलत बात क्या है ना हमारी दुनिया की, कि हम लोग कितने फेमस हैं ये उनके फॉलोअर्स से पता करते हैं, इसीलिए आजकल के बच्चे फॉलोअर्स के पीछे पागल हो रखे हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगी, तुम अच्छे काम करो, तुम कुछ ऐसा करो, फॉलोअर्स तुम्हें अपने आप मिलेंगे, लोग अपने आप तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहेंगे, तुम्हें फॉलो करना चाहेंगे। तो ये 2-3 मिनट का जो ये होता है ना कि ऐसी रील्स बना देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो लोग मेरे से अट्रैक्ट होकर मुझे फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, मेरा विश्वास करो, कुछ अच्छा काम करो। हाँ, अगर तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर तुम्हें उसी फील्ड में जाना है, फिर अपना कंप्लीट फोकस उस चीज़ पर रखो। मैं यही कहूँगी सबको कि जो कुछ भी करो फोकस के साथ करो, ध्यान के साथ करो। बाकी बहुत बहुत बधाई आपको, आप मिस टीन इंडिया बनी।